इसरो की तरफ से इसरो ने हाल ही में कुछ सालों से पहले वो अपना जो खुद का नेविगेशन सिस्टम है नेवी वो डेवलप किया था इंडिया के लिए और जो IMO इंटरनेशनल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन उसने उसको अप्रूव कर लिया। उसमें दुनिया का फोर्थ ऐसा सिस्टम बना है नेविगेशन सिस्टम जो कि एकदम एक्यूरेट काम करता है जो कि एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए। नेक्स्ट अपनी बात तो बात करते हैं गूगल के बारे में। गूगल का जो गूगल पे एक सर्विस है पेमेंट के लिए उन्होंने अभी एक अनाउंसमेंट कर दिया है कि जितने भी इंडिया में ट्रांजेक्शन होते हैं गूगल पे के थ्रू वो सारे ट्रांजेक्शन में जो पीछे ट्रांजेक्शन चार्ज लगता था वो रहेगा टोटली फ्री इंडियन यूजर्स के लिए। यानी कि बहुत ही बढ़िया बात है और इस पर खासकर जो फ़ोनपे और ये सारे जो दूसरे पेमेंट गेटवे उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। पेटीएम पर इतना खास नहीं पड़ सकता क्योंकि उसका तो खुद का ही अपना बैंक है लेकिन जो दूसरे सर्विसेज है उस पर खासा असर पड़ सकता है। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो बात करते हैं मोटोरोला के बारे में। मोटोरोला इंडिया का जो नेक्स्ट जैसे लॉन्च करता है जो कि मोटो G5G जिसको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अगर एक बहुत अच्छे प्राइस पे आ तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन आपके लिए हो सकता है और ये बहुत ही अच्छी प्राइस पे 20,000 के आसपास प्राइस पे लॉन्च हुआ है। और कुछ अगर आप एक्सिस कार्ड या फिर HDFC के कार्ड से पेमेंट करो तो आपको 90,000 में भी पड़ सकता है। लेकिन जो उसमें प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन का 750 वाला प्रोसेसर आपको दिया है जो कि आपको नोट में जो 765 वाला टेक्निक मिलता है उससे आसपास का परफॉर्मेंस आपको देता है। इसी के साथ आपको इसमें 6GB की रैम 128GB स्टोरेज मिल जाती है और जो डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंच की आपको HD+ की डिस्प्ले मिल जाती है। इसी के साथ कैमरा 48MP का आपको मेन कैमरा देखने को मिलता है और फ्रंट में आपको 16MP का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। इसके साथ इसमें 5000mAh की बैटरी मिलती है और 20W का टर्बो चार्जर का मिलता है। मेरे ख्याल से इस प्राइस पर अगर 20,000 में लॉन्च होता है बहुत ही बड़ा ऑप्शन हो सकता है मुकाबले नोड के क्योंकि नोड में कुछ चीज़ें हैं जो इससे अच्छे जैसे कि इसकी डिस्प्ले ले लो जिसमें आपको जो रिफ्रेश रेट है वो अच्छा अच्छा मिलता है। अभी कैमरा की बात करें तो उसमें नोड थोड़ा सा अच्छा दिखेगा आपको मोटोरोला के मुकाबले। लेकिन जो इसमें बैटरी की बात करते हैं बैटरी के मुकाबले में जो मोटोरोला है वो यहाँ पे बाजी मार लेता है क्योंकि इसमें बैटरी कुछ ज़्यादा ही अच्छी दे रखी है और जो नोड में वो 3000mAh की बैटरी जो कि बहुत ही ज़्यादा रहता है जिसे ड्रेन भी होती है। और इसके साथ प्राइस की बात करें तो प्राइस में दोनों के बीच में 5,000 रुपये का फर्क है जो कि बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकता है। ज़्यादातर लोग जो भी अपना बजट 20,000 के अंदर रखना चाहते हैं वो सॉलिड मोटोरोला परचेज कर सकते हैं और ये मोटोरोला नोट को बहुत ही अच्छी टक्कर दे सकता है इस सेगमेंट। नेक्स्ट की बात करें तो बात करते हैं सैमसंग के बारे में। सैमसंग अपना जो नोट सीरीज है वो अभी शायद डिसकंटिन्यू कर सकता है 2021 के अभी ऐसे रूमर्स आ रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता डिसकंटिन्यू करेगा क्योंकि नोट सीज उनकी बहुत पॉपुलर सीरीज है। हमारे यहाँ पे भी थोड़े लोग परचेस करते हैं लेकिन जो दूसरी कंट्री से उसमें नोट सीरीज बहुत ही पॉपुलर सीरीज है लेकिन पता नहीं क्या करते हैं। मुझे पर्सनली नोट सीरीज के जितने भी फोन सैमसंग के बहुत ही अच्छे लगते हैं और ऐसे जो नोट सीरीज के फोन बहुत ही एक्सपेंसिव आते हैं लेकिन बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस होते हैं। लेकिन फिर भी देखते हैं आगे 2021 में ही क्या पता चले अगर सैमसंग सच में भी कर भी दे उसको डिसकंटिन्यू तो मेरे ख्याल से जो अभी के जो नोट सीरीज है उसकी प्राइस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगी क्योंकि डिमांड उसकी बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसी के साथ एक और अपडेट मिला हमको सैमसंग की तरफ से। सैमसंग का जो UI 3.0 आने वाला है उसमें वो लोग एंड्रॉयड 10 देने वाले हैं और बहुत सारे डिवाइसेज सैमसंग के उसमें अपडेट देने वाले हैं जो कि मेरे ख्याल से जो 2021 है उसके अगस्त तक में वो लोग सारे डिवाइस में अपडेट देने वाले हैं। लेकिन इसमें ऑन सीरीज के और जे सीरीज के एक भी डिवाइस अवेलेबल नहीं है। एम सीरीज के सारे डिवाइस अवेलेबल है जो एस सीरीज है फोल्ड है इस सारे के सारे डिवाइस आपको देखने को मिलेंगे लेकिन जो उनकी ऑन सीरीज और जे सीरीज है उन दोनों सीरीज में आपको एंड्रॉइड 11 का अपडेट नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं गेमिंग की दुनिया से जो भाई 4G अभी अक्सर हमारे हमारे लेके आने वाले थे इंडियन मार्केट में बहुत टाइम से लोग इंतजार कर रहे हैं तो हाल ही में उसका जो प्री रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका था और जो उनके जो गेम कंपनी के CEO उन्होंने बताया कि 24 घंटे के अंदर अंदर 1 मिलियन प्री रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। वो भी क्यों एकदम बड़ी बात है क्योंकि कुछ यूजर्स के सामने एक प्रॉब्लम इशू आ रहा था कि भाई उनके फ़ोन में सपोर्ट नहीं कर रहा है ये फोन ऐसा दिखा रहा है ये बहुत सारे यूजर्स को ये इशू हो रहा था लेकिन बाद में अभी 2 दिन बाद उसको सॉल्व कर दिया गया लेकिन फिर भी 1 मिलियन रजिस्ट्रेशन आ चुका है। 4G का भी क्रेज रहने वाला है अगर ये बहुत अच्छी तरीके से लॉन्च हो उन्होंने ऑप्टिमाइज किया हो तो मेरे ख्याल से वो 4G को भी टक्कर दे सकती है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो बात करते हैं यूट्यूब के बारे में। अभी यूट्यूब ने नया एक फीचर लॉन्च किया है अभी कि अगर आप कमेंट करते हो और कुछ अब्यूजिंग वर्ड यूज़ करते हो जैसे कि कोई गाली नहीं करो या फिर आप अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ कर रहे हो आपके सेंटेंस में भी आप गाली नहीं दे रहे हो कुछ को आप
बुरा नहीं कहता था, लेकिन आप सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड यूज कर रहे हो जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है, तो यूट्यूब आपको कमेंट करने से पहले वार्न करेगा कि क्या आप ये कमेंट करना चाहते हो कि नहीं। आप एक बार रिव्यू करें हमारे गाइडलाइन के खिलाफ, यानी कि अभी तो यूट्यूब सिर्फ कंटेंट पे ही अपनी गाइडलाइन लगाता था, लेकिन अभी वो कमेंट सेक्शन में भी अपनी गाइडलाइन लगाना शुरू कर रहा है, क्योंकि यूट्यूब एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत ज़्यादा कंज्यूमर है, सारे इसके कंज्यूमर उसके पास है। मेरे ख्याल से अगर ये लोग एक प्राइवेसी की तरफ से या फिर जो यूजर्स की सेफ्टी है, जो क्रिएटर की सेफ्टी है, उसके लिए अगर ये आप करना चाहते हो यूट्यूब पे, बहुत अच्छा कदम आपकी तरफ से हो सकता है। नेक्स्ट अभी की बात करें तो बात करते हैं एप्पल के बारे में। एप्पल ने आईफोन 11 के जितने भी यूजर हैं उनके लिए, मतलब बहुत बड़े जो नहीं, एक स्मॉल अमाउंट के यूजर्स के लिए एक नई प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें आप उनकी जो डिस्प्ले, अगर उसमें टच का इशू है या फिर कुछ ग्लिच का इशू है, तो उसको आप फ्री में रिप्लेस कर सकते हैं। अभी ये जो इशू आता है वो बहुत सारे लोगों को फेस हुआ था, वो भी उन्होंने एक पीरियड फिक्स किया है। जो आपका डिवाइस है आईफोन 11, अगर वो नवंबर 2019 से लेके मई 2020 तक ही मैन्युफैक्चर हुआ होगा, इस जो गैप है उसके बीच में मैन्युफैक्चर हुआ होगा, तो आपको 2 साल तक का पीरियड मिलेगा, जिसमें अगर आपके डिस्प्ले में ऐसा कोई भी इशू होता है या फिर ग्लिच होता है या फिर आपको टच में कुछ भी इशू फेस होता है, तो उसको वो आप फ्री में रिप्लेस करके देगी। मतलब कुछ स्मॉल सेगमेंट के लिए, लेकिन फिर भी अच्छा प्रोग्राम है। इसी के साथ नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते बात करते हैं ओप्पो के बारे में। ओप्पो ने कभी नया पैटर्न कर रहा है, आपने अभी तक जो रोलिंग कैमरा है, रोलिंग डिस्प्ले है, वो सारे तो कॉन्सेप्ट को आपको सुना ही होगा, लेकिन ओप्पो ने एक नया, मतलब नया नहीं पुराना है एक्चुअल में तो, लेकिन अभी के लिए जो कॉन्सेप्ट ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से थोड़ा सा नया है, कि वो जो कैमरा का पीछे का जो कैमरा मॉड्यूल है वो डिटेच कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपका कैमरा का स्पेसिफिकेशन है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मतलब कि ये जो भी डिवाइस होगा वो काफ़ी हद तक कैमरा सेंट्रिक फ़ोन होगा, इसमें आपको प्रोसेसर सब अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें मेन हाईलाइट आपको कैमरा का ही देखने को मिलेगा। और ये जो डिटेचेबल मॉडल है वो मेरे ख्याल से वो 2-3 वेरिएंट में दे सकते हैं, जिसकी प्राइस भी जो उसकी स्पेसिफिकेशन है कैमरा मॉडल की उसके हिसाब से वेरी हो सकती है। आगे मेरे ख्याल से एक स्टार्टअप था, उसने ऐसा कुछ डिवाइस निकला था कि उसके सारे जितने भी पास हुए, डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा मॉडल, सारे के सारे आप अलग से परचेस कर सकते हो और आपकी आपके हिसाब से आप अंदर लगा सकते हो, खुद ही जॉइंट ब्लॉक ब्लॉक ऐसा अलग लगा के। लेकिन उसमें एक दिक्कत थी कि वो बहुत ही ज़्यादा बल्की हो जाता था और उसमें जो जो सेफ्टी रहनी चाहिए थी वो नहीं रहती थी, क्योंकि वो इतना ड्यूरेबल नहीं रहता था, सारे पार्ट अलग हो सकते हैं, यानी कि अगर गिरेगा तो सारे पार्ट इधर उधर बिखर जाएंगे। अभी इस वजह से वो प्रोग्राम बंद होकर किया हो नहीं पता, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत साल पहले भी आया था और ये अभी ओप्पो वाले भी ये ला रहे हैं, देखते हैं आगे फ्यूचर में हम कैसे कैसे डिवाइसेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अभी की बात बात करते हैं इलन मस्क के बारे में, जो कि मेनली टेस्ला के लिए जाने जाते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल कंपनी है, लेकिन उनके बहुत सारे प्रोग्राम है स्पेस एक्स, जो कि बेसिकली स्पेस क्राफ्ट लगा रहता है, एक हाइपरलूप जो कि एक ट्रैवलिंग का कुछ जो फास्टेस्ट ट्रैवलिंग ऑन अर्थ है उसके लिए लगा रहता है। लेकिन अभी उन्होंने एक नया स्टेटमेंट दिया कि उनको लगता है कि इंसान 2026 तक, यानी कि आने वाले 6 सालों में मार्स पे जरूर पहुंच जाएगा। अभी ये लोग इतने कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं या ओवर कॉन्फिडेंस में, या फिर हमें कुछ बात ऐसी है जो पता नहीं चलती, दूसरी जगह की जो ऐसी कुछ टॉप सीरीज होगी वो नहीं पता, लेकिन अभी जितना हमें पता है मेरे ख्याल से 2026 तक मार्स में जाना इतना भी ईजी नहीं रहेगा, क्योंकि मून पे जाने की बात बहुत सारी हो रही थी, लेकिन अभी तक हम मून पे नहीं जा पाए। और ये रहा मार्स, जिसमें उन सारी कंट्रियों को एक जो फर्स्ट अटैम्प में पहुँचने में प्रॉब्लम हो रही थी, और वो लोग एक बोलो 6 सालों में पहुँचने की बात करें, जो मेरे ख्याल से इतनी सूटेबल बात नहीं लगती, लेकिन फिर भी देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, क्या हम मार्स पे जाते हैं या फिर धरती तो हमारा है। सो आज के बस इतने, अगर आपको पसंद है तो लाइक जरूर, उसमें शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।